बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जस्ट स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी ने मुकम्मल तौर पर क्रिकेट बोर्ड की बागडोर संभाल ली है। बतौर निगरां वजीर आला पंजाब खिदमा सर अंजाम देने वाले मारूफ सहाफ़ी अब क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों को कैसे लेकर चलना चाहेंगे, इस बात का खुलासा उन्होंने इस्लामाबाद की मुकामी होटल में खिलाड़ियों से बातचीत में कर दिया। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा, खिलाड़ियों से मुलाकात में उनको बताया पहले जो हो गया, कौन क्या कर रहा था वो गुजरा हुआ माजी बन चुका है, अब आगे चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को अपने खेल से जीत की शारा पर गामजन करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिल बैठकर फैसले करते हैं। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया, सियासत और लॉबिंग की बात छोड़ दीजिए, टीम में सिलेक्शन के लिए सिर्फ मेरिट कल्चर को फ़रोग दीजिए, जो परफॉर्मर है, फिट है, अहलियत रखता है, उसे हर सूरत खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने पहली मुलाकात में खिलाड़ियों पर वाज़ेह कर दिया कि फिटनेस टीम में शमूलियत के हवाले से अहम बात समझी जाएगी। उन्होंने खिलाड़ियों पर वाज़ेह किया, पुरकशिश मुआवजे और माहदे आपका हक है, जिससे आपको कोई महरूम नहीं कर रहा, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन मुल्क और जीत सबसे पहले होनी चाहिए और इस पर कोई दूसरी बात नहीं होगी। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया बोर्ड उनके लिए बेहतर से बेहतर करेगा, लेकिन खिलाड़ियों को भी बोर्ड के नज़्म व नस्क को अहमियत देना पड़ेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की टीम के अहम लोगों में शुमार की जाने वाली डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। आलिया, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की ये पहली मुलाकात खिलाड़ियों से खासी हौसला अफजा रही है, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट बोर्ड को किस तरह लेकर चलना है, वो खिलाड़ियों के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने ये खिलाड़ियों के गोश गुजार कर दिया। जी बिल्कुल आया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। मोहसिन नकवी साहब जो एक नए चेयरमैन के तौर पे आए हैं, एक तो ये है कि जाहिर है अब उनकी सारी तवज्जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ आ गई है, और उनकी जो फिलॉसफी है वो बड़ी क्लियर है। मेरा ख्याल है मुझे उनकी शख्सियत में जो दो चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं वो ये है कि एक तो वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखते और जो उनका माइंड होता है वो फौरी तौर पर शेयर करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाले आदमी हैं। तो उन्होंने कल पिंडी स्टेडियम में भी यही कहा, लाहौर में भी, कराची, सब स्टेडियम जो है उनको अपग्रेडेशन का उन्होंने ऑर्डर किया है और प्लान्स मांगे हैं और उसके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं। जहाँ तक प्लेयर से उनकी गुफ्तगु है वो बड़ी फ्रेंक थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें उन्होंने वाजे तौर पर बताया कि पाकिस्तान को आपको अहमियत देना पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको पैसे कम है तो मैं वो और बढ़ा दूंगा, यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के या फीस वगैरह के, लेकिन आपको पाकिस्तान को हर सूरत में अहमियत देनी है, और मैं ये मना भी नहीं कर रहा कि आप ना कमाएं, आपका हक है, आप लीग भी खेलें, सब कुछ करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है ये सारी इज्जत आपके जो सितारा आपके सीने पे लगा है उसको आपको अहमियत देना जरूरी है। तो मेरा ख्याल है बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है प्लेयर्स को, और प्रोफेशनली वो काफ़ी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसका आपको भी बताया गया कि बहुत सारे इशूज तो हैं जिनमें के एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अंडर 13 या अंडर 16 जो नीचे की बच्चे हैं उनके साथ अगर आप अच्छे कोचेस को लगाएं, चाहे वो मुल्की हों या गैर मुल्की हों, तो उनकी ग्रोथ के लिए वो बहुत उस पर काम करना चाह रहे हैं। तो अभी तक जो चीज़ें नज़र आई हैं उसमें ये है कि डूअर हैं, और काम कहते हैं कि फौरन हो और उस पर ब्यूरोक्रेसी नहीं आनी चाहिए, यानी कि उसको डिले करना उनको पसंद नहीं है। तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि एक बड़े एक सॉलिड फुटिंग पे आए हैं और बड़ा क्लियर फिलॉसफी लेके चल रहे हैं कि क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है हमारी, इसको इम्प्रूव करना है, और इसके लिए जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा। अच्छा आलिया, सैयद मोहसिन रजा नकवी एक मंझे हुए सहाफ़ी हैं और चैनल 24 के मालिक भी हैं, ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें तो आप भी एक सहाफ़ी की हैसियत से हमारी टीम का हिस्सा थी, लेकिन अब आप क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमान हैं। ये जो मोहसिन रजा नकवी साहब ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू के दौरान ख़ुलासा किया कि लॉबिंग नहीं चलेगी, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन होगी, फिटनेस कल्चर को परवान चढ़ाया जाएगा और सिर्फ टीम में सिलेक्शन का रास्ता जो है वो परफॉर्मेंस होगी, तो आम जबान में, हरफों किनायों में नहीं, क्या वो किसी को पैगाम देना चाहते थे या ये उनकी सोच है?
नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि याया आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता है कि इश्यूज तो होते ही हैं, जहां पे चार बर्तन होते हैं वो खड़कते तो हैं। तो ऐसा नहीं है किस दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इश्यूज नहीं रहे, लेकिन थोड़ी बहुत जो चीज़ें, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर जिससे मोहम्मद हफीज़ ने कंडक्ट किया और बहुत सारे इशूज उन्होंने उठाए, तो मेरा ख्याल है वो तमाम जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसकी रोशनी में ये मैसेज जो है वो काफ़ी वाजह तौर पर प्लेयर्स तक गया है कि भाई आपने एक यकजान होकर खेलना है, एक टीम की तरह लड़ना है। और ये भी उन्होंने कहा कि जी आप फाइट करके हार जाएं कौम आपको माफ कर देगी, लेकिन अगर आप फाइट नहीं करेंगे और प्लेट में रख के दे देंगे मैचेस, तो ऑब्वियसली जो क्रिटिसिज्म हमारी कौम करती है वो भी दुनिया में कोई और नहीं करता, ये भी उन्होंने कहा है। तो मेरा ख्याल है कि छोटे मोटे अगर कुछ इश्यूज हैं तो वो तो एक घर में भी हो जाते हैं, और प्लेयर्स को ये समझना भी होगा कि कहाँ तक उनकी लिमिट है, कहाँ उनको जाना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बाप की हैसियत से, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो हाईएस्ट पोस्ट है उनकी, चेयरमैन की, वहाँ पे वो जो बाप होता है वो दस्त शफकत भी रखता है, लेकिन साथ साथ वो थोड़ा सा बताता भी है, सख्ती भी करता है कि उस बच्चों को सही रखने के लिए कि आपको ये समझना होगा कि आपके गोल्स क्या हैं, बेसिकली आपने करना क्या है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखें यार हमारी अनफॉर्चुनेटली बेशक हम अपनी टीम को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से ये, जब तक आप ये सारी चीज़ें एड्रेस नहीं करेंगे, मैंने कहा ना फ्रैंक आदमी है, उन्होंने इस चीज़ की जरूरत नहीं महसूस की कि बंद दरवाजों के पीछे बात की जाए, उन्होंने कहा क्यों नहीं, दुनिया को पता हो, लोगों को बताएं, लाइव चल रहा था, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हैं, और वो क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए मैं चूँकि 5-6 महीने से काम कर रही हूँ, और इससे पहले भी अखबार में जो मैंने देखा है कि जो चेयरमैन आए हैं वो अपनी पब्लिसिटी के ऊपर ज़्यादा जोर रखते थे, मुझे एक दफ़ा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी क्या चीज़ कहाँ चल रही है, बल्कि उसके बजाय उनका फोकस ये है कि क्या मैंने कहना है, और क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो लगे हुए हैं मुसलसल, हर तरफ से इंफॉर्मेशन, नॉलेज, उसको बुला, मीटिंग, ये वो, मतलब एक मिनट ज़ाया करना पसंद नहीं करते। मेरा तो ख्याल है कि ऐसे ही आदमी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूरत है। अच्छा आलिया, मोहसिन रजा नकवी ने बतौर वज़ीर आला पंजाब जिस तरह काम किया, बात करने से ज़्यादा एक्शन पे बिलीव रखते हैं, ये हमने उनको देखा, और क्रिकेट बोर्ड की जहाँ तक बात है और जिस तरह उन्होंने बात की, एक बात तो तय है कि हकीकत पसंदाना गुफ्तगू उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट बोर्ड के पैसे हैं वो खिलाड़ियों का हक है, और जिस तरह चौधरी जकाशरफ ने बतौर चेयरमैन खिलाड़ियों को रिकॉर्ड मुआवजे दिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में, उन्होंने कहा कि इससे भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उन्होंने खिलाड़ियों पर वाज़े की है कि आपको अपने माहदों को बैन अवी लीग में देखना होगा, सबसे पहले पाकिस्तान है और सबसे पहले पाकिस्तान की जीत है, आप मुकाबला करके अगर हार भी जाते हैं तो कोई इसका बुरा नहीं मानेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है या मेरा ख्याल है कि देखिए दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड एक आध को छोड़ के उनको ये मसाइल का सामना है, और वो ये है कि लीग जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस उनकी है, और ऑब्वियसली प्लेयर्स का कमाना हक है, प्लेयर्स की एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनके पास भी बस 10-15 साल ही होते हैं जिसमें कि वो मैक्सिमम कमा सकते हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो उसकी ग्रोथ इतनी बढ़ रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि इसको हमें मैनेज कैसे करना है। तो इसी वजह से जो पिछला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, आपको पता है कि PSL मिला के उसमें 3 यानी 2 और 1 PSL, सिर्फ 3 की सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को इजाज़त जो है वो दी गई है। तो अभी थोड़ा सा इसके ऊपर एक तवील या डिस्कशन जो है या ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी, चूंकि PSL चल रहा है और हम सब मुख्तलिफ सेंटर्स पे बिजी हैं, तो उसकी वजह से एक बैठ के वो कर रहे हैं अपना होमवर्क, लेकिन इसके ऊपर एक पॉलिसी के ऊपर एक लाह अमल जो है वो तय किया जाएगा कि प्लेयर्स जो हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो मुतासर ना हो। उसके अलावा फिटनेस का एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मोहम्मद हफीज़ ने भी कई दफ़ा उठाया था, तो वो है, वो हमें नज़र भी आ रहा है, अब हमारे यो टेस्ट भी नहीं होते, तो इस तरह वो काकुल अकेडमी से पाकिस्तान आर्मी के निगरानी में जिस तरह उन्होंने ये प्रोग्राम सेट किया है, तो इससे आपको नज़र आना चाहिए कि प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हैं और अपने टारगेट पे हैं वो, कि उन्होंने, उनको पता है कि पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है इसको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ वो उसको देखना चाहते हैं, तो ये सारे इकदाम इसी वजह से हो रहे हैं। अच्छा आलिया, जाते जाते ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमान हैं और लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि अब मोहम्मद हफीज़ तो अब क्रिकेट बोर्ड के साथ नहीं है, और पाकिस्तान को पाकिस्तान सुपर लीग के बाद न्यूजीलैंड को होम सीरीज़ में होस्ट करना है, फिर वर्ल्ड T20 का मेला अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में लगने जा रहा है, तो ये बता दीजिए, चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि जो गैर मुल्की स्टाफ है उनके साथ उनकी गुफ्तगू हो रही है, बेस्ट से बेस्ट लेकर आएंगे, कब तक आप लोग फैसला कर रहे हैं?
यकीनन न्यूजीलैंड की जो सीरीज है उससे पहले इंशाल्लाह ये तय हो जाएगा डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया आलिया रशीद, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ मौजूद थी, और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की। इस हवाले से आलिया रशीद की गुफ्तगु आपने सुनी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 पर गुफ्तगु करेंगे। HBL PSL सीज़न 9 में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान दिलचस्प सनसनी खेज मुकाबला हुआ, जिसमें पेशावर ज़ल्मी 4 रन से फातह रहा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साबिक कप्तान और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार होने वाले बाबर आजम ने इस मरतबा PSL में फिर खुद को ख़तरनाक और बेहतरीन बैटर की फहरिस्त में टॉप पर रखा हुआ है। बाबर आजम ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 40 गेंदों पर 64 रन, 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से स्कोर किए और PSL 9 में अपनी तीसरी निफ सेंचुरी के साथ टॉप स्कोर रहने का एजाज बरकरार रखा हुआ है। बाबर आजम ने पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 68, कराची किंग के खिलाफ 72 और लाहौर कलंदर के खिलाफ 48 और मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 64 रन की इनिंग खेली, और सीज़न 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 111 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलकर सेंचुरी बनाने का एजाज भी हासिल किया। बाबर आजम 7 मैचों में 66.66 की औसत से सबसे ज़्यादा 394 रन बनाने में कामयाब हुए हैं, और उन्होंने 152.12 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 42 चौके और 9 छक्के भी इस टूर्नामेंट में लगा रखे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मुल्क के बेहतरीन और नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मैसर आता है। माजी में बहुत से क्रिकेटर्स इस लीग के जरिए कौमी टीम में जगह बना चुके हैं। इस मरतबा भी 6 फ्रेंचाइजेज़ ने अंडर 19 और डोमेस्टिक सतह पर परफॉर्म करने वाले हीरों को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, और वो अपनी परफॉर्मेंस से सभी को मुतासर कर रहे हैं। इनमें बैटिंग के शोबे में उभरता हुआ नाम ख्वाजा नाफे का है। कोयटा ग्लैडिएटर की जानब से दाएँ हाथ के बल्लेबाज ने लाहौर कलंदर के खिलाफ हदफ के ताकुब में 60 रन की जारहाना और नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेल कर खुद को साबित किया। PSL 9 में स्पिन बॉलिंग के शोबे में नौजवान और बासलाहियत बॉलर सामने आए हैं। इनमें आरिफ याकूब का नाम सर फहरिस्त है। आरिफ याकूब ने पेशावर ज़ल्मी की जानब से 4 मैच खेलकर 8 विकटें हासिल की, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 1 ही ओवर में 4 विकटें लेकर आरिफ याकूब ने मैच पेशावर ज़ल्मी के हक में कर देने का कारनामा अंजाम दिया, जहां उनकी बेहतरीन बॉलिंग 27 रन के बदले 5 विकटें रहीं। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलिंग के अहम रुकन नसीम शाह के भाई हुनैन शाह ने भी अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, और वो भी इस्लामाबाद की फतह में कलीदी किरदार निभा रहे हैं। अगरचे हुनैन शाह ने 4 मैचों में सिर्फ 4 विकटें हासिल की हैं, लेकिन वो अपनी स्विंग बॉलिंग से अपने ताबनाक मुस्तकबिल का ऐलान कर रहे हैं। स्पिन बॉलिंग में अंडर 19 से PSL 9 में जगह बनाने वाले फैसल अकरम और गुज़िश्ता रोज़ अपना पहला मैच खेलने वाले मेहरान मुमताज़ ने अपनी नपीतुली बॉलिंग से हरीफ टीमों को खूब परेशान किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में इमर्जिंग टैलेंट भी खूब उभर के सामने आ रहा है। लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर जहांदाद खान हो या कोयटा ग्लैडिएटर के ख्वाजा नाफे, सभी ने अपनी परफॉर्मेंस से खुद को बेहतर साबित किया है। कोयटा ग्लैडिएटर के नौजवान बेटा ख्वाजा नाफे ने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा, वो नेचुरल बैटिंग करते हैं, जिस तरह की सूरत हाल होती है इसी हिसाब से बल्लेबाजी करने को तरजीह देते हैं। उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में सीखने का मौका मैसर आया है। उनकी अव्वलीन तरजीह कोयटा ग्लैडिएटर को टाइटल जितवाना है। कि PSL एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है यंगस्टर्स के लिए, तो यही है कि अगर आप ड्रेसिंग रूम शेयर करने की बात करें तो मेरे साथ कितने सीनियर्स प्लेयर्स हैं, सेफी भाई, और कोचेज़ में देखे सर विविन रिचर्ड, शेन वॉटसन, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। जो जो सीखने को मिल रहा है उसको मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, माइंडसेट तो जो मैंने प्रैक्टिस की है पीछे, तो जो मेरा नेचुरल है, कोशिश करता हूँ मैच में मैं वही नेचुरल अपना खेलूँ। बाकी जो मैच की सिचुएशंस होती है उस टाइम देखना होता है कि क्या खेले बंदा, तो कोशिश यही होती है कि मैं अपना नेचुरली खेलूँ। जी बिल्कुल, होती है स्पेशल ट्रेनिंग होती है। जैसे बैटिंग की बात करें तो मतलब हर शॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं हम काफ़ी, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हर दिन, तो इसी वजह से इतना मतलब होता है कि वो शॉट मारो तो बॉल को ना देखो। जी इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है कि टाइटल जीतना है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और हमारे मेहनत तो यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस साल फाइनल लेके जाएंगे इंशाल्लाह। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।